हाय फ्रेंड्स, आज के हम लोग का चर्चा का विषय है कि कैनाइन डिस्टेंपर के लक्षण। कैनाइन डिस्टेंपर बहुत ही आम बीमारी है, लेकिन इसके जो इलाज हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कुछ हद तक इसका इलाज है, और उसके बाद फिर इलाज संभव नहीं है, जिसके लिए वैक्सीनेशन किया जाता है, और वैक्सीनेशन ही एकमात्र प्रिवेंशन है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे भी चैनल पे पहली बार हैं और आप अपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैनाइन डिस्टेंपर एक बहुत ही आम बीमारी है। जिस भी डॉग को वैक्सीनेशन या टीका नहीं किया जाता है तो उसमें ये हो ही जाता है। तो लक्षण में अगर देखेंगे तो ये एक सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो जब कुछ स्टेज तक जिसमें हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, मतलब हम लोग उसके डॉग को ठीक कर सकते हैं, वो पहले मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले होता है कि जब छोटा बच्चा रहता है, जनरली स्मॉल डॉग, ये छोटे उम्र कम उम्र के डॉग को होता है, तो जब शुरू होता है तब क्या होता है, आँख से बिना कारण का पानी आने लगता है। हो सकता है एक आँख से आए, हो सकता है दोनों आँख से आए, ये पानी एकदम पानी की तरह पहले शुरू आएगा और वो क्लियर रहेगा, मतलब साफ सफ़ेद टाइप का वो आएगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो जो पानी आ रहा हो रहा है वो थोड़ा कचरा टाइप आने लगता है, मतलब वो थोड़ा गाढ़ा और गंदा टाइप आने लगता है। आँख से भी आना शुरू कर देता है, मुँह से भी कभी कभी आना शुरू करता है, मुँह में एक गंद टाइप का भी आने लगता है। शुरुआत में जैसे ही आँख में पानी आने लगता है, उसके साथ ही साथ एक और उसमें सिम्टम आते हैं, बल्कि आपने उस सिम्टम को नोटिस जरूर से किया होगा। वो क्या होता है कि उसे हिचकी आने लगती है। अब बहुत सारे डॉग ओनर्स को मैं समझाता हूँ कि भाई हिचकी अगर डॉग को आ रही है तो गड़बड़ है, तो वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, ये तो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ये तो सभी को होता है। जी हाँ, मैं मानता हूँ ये सभी को होता है। हिचकियाँ जो है, हो सकता है कि नॉर्मल हिचकी भी हो, नॉर्मल हिचकी होता है, ग्रोथ के लिए सही में होता है, जो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन हिचकियों के साथ साथ उसे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा टिटेनी होता है, मतलब समझिए कि सोया हुआ है, अचानक से हिलने लगेगा उसका बॉडी, ऐसे ऐसे कांपने लगेगा, ऐसे 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 करने लगेगा, या फिर वो भी नहीं होगा, वो क्या होगा कि अचानक से जो है सोया हुआ है या कहीं बैठा हुआ है, उसका शरीर का कोई चमड़ा, जैसे यहाँ पे हुआ या नेक का चमड़ा या पेट का चमड़ा, अचानक से ऐसे 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 हिलने लगेगा, वो कंपन टाइप का होगा, तो क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो उसके बाद फिर क्या होगा, उसके आगे ये थोड़ा सा और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बढ़ के क्या होगा, उसका हाथ एक हाथ हो सकता है, अचानक से मिर्गी टाइप का होने लगेगा, तो वो होने लगता है। तो उसके बाद फिर अगर आपने ये स्टेज जो है ना ख़तरनाक है, इसमें अगर आप डॉक्टर्स के पास चले गए तो हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन जब उसका पूरा बॉडी अफेक्टेड हो जाता है, पूरा बॉडी ही मिर्गी की तरह घिलने लगता है, तो समझिए कि उसका कोई इलाज नहीं है, वो धीरे धीरे और ख़राब स्थिति में जाएगा। अब इस जो है ये तो एक कंडीशन हुआ, इसके दौरे का दौरा पड़ता है वो। इसके अलावा भी कुछ और कंडीशंस होते हैं जिसमें उसके अंदरूनी प्रॉब्लम होता है, जैसे वो डॉग जो है दो फॉर्म में उसका डिजीज़ जाता है। ये तो मिर्गी टाइप का जो होगा, एक बार होगा फिर ठीक हो जाएगा, एक बार होगा फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके जो अंदर का सिस्टम वो भी धीरे धीरे ख़राब होगा। वो हो सकता है कि दो फॉर्म होता है, निमोनिक एवं एंटेरिक, मैंने वो पेट से भी कुछ प्रॉब्लम हो उसको भी मैं बता रहा हूँ, और वो निमोनिक भी हो सकता है। तो इस तरह से डिजीज़ जो है आगे बढ़ता है। और साइन होता है जिसको हम लोग कहते हैं केराटोकंजंक्टिवाइटिस, मतलब हुआ उसमें क्या होता है ना कि कंजंक्टिवाइटिस तो आप जान गए, जो आँख से पानी निकलना, कचरा निकलना, पस निकलना, इसके साथ ही साथ उसके जो पंजे होते हैं ना, पंजे कड़े हो जाते हैं, जैसे यहाँ का पोर्शन है, यहाँ कड़ा 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 मिलेगा, यहाँ कड़ा नहीं मिलेगा, यहाँ कड़ा मिलेगा, दूसरे डॉग को देखिएगा नहीं नरम रहेगा, यहाँ देखेंगे कड़ा कड़ा टाइप का मिलेगा। तो जैसे बहुत सारा वो आदमी अगर हथौड़ा चला ले या कुछ चला ले तो हम लोग का कड़ा पड़ जाता है ना, ठीक उसी तरह का उसके पंजे में कड़ा बना जाता है। तो वो हो गया, उसको कहते हैं हार्डनिंग ऑफ फूट पैड। तो वो अगर हो गया तो फिर वो जो है सेकेंड स्टेज में चला गया, समझना पड़ेगा। तो यहाँ तक भी आप उसे वापस ला सकते हैं, मैंने इस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं वैक्सीनेशन के द्वारा और ट्रीटमेंट के द्वारा। लेकिन इसके बाद
जैसे जैसे डिजीज बढ़ता है तो उसके दो फॉर्म हैं, दोनों दो रास्ते हैं उसके डिजीज प्रोग्रेशन का, एक है एंटेरिक फॉर्म, एक है निमोनिक फॉर्म। निमोनिक फॉर्म पहले बता देता हूँ, निमोनिक फॉर्म में क्या होगा कि उसे सांस लेने में तकलीफ होगी शुरू में, उसके बाद उसे जो है खांसी होगा बिना कारण का, कुछ हुआ ही नहीं है फिर भी खांस रहा है पता नहीं क्या हो गया, तो खांसेगा और गला में गड़गड़ करेगा, आप कफ का दवा पिलाएंगे कोई असर नहीं करेगा, कुछ दिन के लिए हो सकता है असर करे फिर वापस आ जाए, इस तरह का लगेगा। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे डिजीज प्रोग्रेस करते करते वो डेथ हो जाता है। और है एक है एंटेरिक फॉर्म, ये बहुत ही सताने वाला फॉर्म है, बहुत ही सताने वाला चीज़ है। इसमें क्या होता है एंटेरिक फॉर्म में, डिस्टेंपर में, ये कम से कम जो है डॉग तीन से छः महीने तक जिंदा रहता है। तो जिंदा जो रहता है डॉग, धीरे 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 वो उसकी स्थिति खराब होती है। अब ऐसे में क्या होता है कि डॉग ओनर वेटरनरी डॉक्टर से दूसरा से तीसरा ऐसे वो घूमते रहता है, लेकिन कुछ पता नहीं होता। उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे पहले क्या करेगा, लूज मोशन करेगा, एकदम वो आपने दवा दिया डॉक्टर के पास ले गया दवा दिया फिर ठीक हो गया, उसके बाद हो सकता है उल्टी करे तो वो भी फिर दवा दिया ठीक हो गया, उसके बाद कुछ दिन के बाद खाना छोड़ देगा, फिर कुछ डॉक्टर साहब से इलाज करवाए, बुखार उखार का दवा दिए, कुछ ये किए डॉक्टर साहब ने किया फिर ठीक हो गया, फिर कुछ दिन के बाद फिर लूज मोशन शुरू होगा। ऐसे ही करते करते धीरे 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 प्रोग्रेस करते 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 और उसकी हालत और ख़राब होती जाएगी, और कुछ दिन के बाद ये हालत होगी उसकी कि वो जो है उठने बैठने में भी दिक्कत होगा। तो इसमें ऐसे ही प्रोग्रेस करना।